अब मैं बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ पर वंदे मातरम फाउंडेशन की तरफ से हर क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया गया है और उसमें इस बच्चे भी सम्मानित किया गया है। बहुत गर्व की बात है और बहुत गर्व। मैडम अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताएं, आपने किस क्षेत्र में काम किया है? मैं बेसिकली मॉडलिंग फील्ड से हूँ। मैं इस बार मिस इंडिया नॉर्थ के खिताब से नमाजी गई हूँ, जोन विनर के खिताब से, और मैं एक्टिंग भी करती हूँ। मैंने वेब सीरीज में काम किया है और जो अच्छा भी गई है अभी। नाम बताएंगे मैम? वेब सीरीज का नाम है द लास्ट सेवन पेजेस ऑफ लाइफ। आपका नाम? नेहा राव। थैंक यू। अच्छा महसूस हो रहा है। महिला दिवस की पूरी संध्या पे इस तरह के जो आयोजन किए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे महिलाओं को आगे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह के समारोह में आना और सम्मानित होना अपने आप में बहुत ही गर्व की बात। आपका क्या कार्य क्षेत्र है? मैं दिव्यांगों के लिए काम करती हूँ। मैं तो दिव्यांगों और दिव्यांगों के लिए काम करती हूँ, महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए। मेरी कोशिश रहती है दिव्यांगों के रोजगार के क्षेत्र में सहयोग और कोशिश करती हूँ काम करने की। आपकी संस्था है, क्या नाम है? आपका नाम क्या है? थैंक यू। बहुत हम लोग को प्रोत्साहन मिला और बहुत अच्छा पहल है कि समाज में हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ लोग उसको सम्मानित कर रहे हैं। तो बहुत ही मैं धन्यवाद दूंगी राजीव सिन्हा जी को जो अध्यक्ष हैं फाउंडेशन के। अपने अपने कार्य के बारे में बताएं। मैं इको फ्रेंडली बैग्स मैन्युफैक्चर करती हूँ जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल है, और हम लोगों को अवेयर भी करते हैं कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको नहीं यूज़ करके और उसकी जगह कॉटन, बायोडिग्रेडेबल जूट के बैग्स यूज़ कीजिए। मेरी यही सोच है कि हम इतना पॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि उसको हमें अब रोकना चाहिए, इसी के तहत मैंने काम शुरू किया है। क्या नाम है आपका? मैडम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगी वंदे मातरम फाउंडेशन को, उनकी पूरी टीम को, राजन सर को, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस तरह की आयोजन का आयोजन करके हम महिलाओं की प्रतिष्ठा पर चार चार लगाया जाता है, हम महिलाओं के मनोबल को बढ़ाया जाता है ताकि हमें और अच्छा समाज में बेहतर से बेहतर करने की सीख मिलती है। अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताएं। नाम बताइए। तालियों में कंजूसी ना करें, तालियां बजकर चुकी हैं और वर्तमान में आप बॉलीवुड में काम कर रही हैं। आप निश्चित रूप से बिहार की बेटियों के लिए प्रेरणा हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। उनके लिए आपको पहले भी कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वंदे मातरम फाउंडेशन आपको सम्मानित करता है। बहुत बहुत बधाई ऋतु जी आपको। और दूसरे उत्साह से ये आगे काम करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो राजन जी सबको सम्मान दिए इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई कि स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, हमारा आशीर्वाद है इनको। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाएं के लिए बहुत बहुत बढ़िया दिन, अच्छा दिन है आज का। अब हम तो कहेंगे कि हर जगह महिलाएं, हमारी जितनी महिलाएं हैं सुरक्षित रहे, अच्छा से रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी महिलाएं के कष्ट, कोई भी परेशानी, कोई तरह का समस्या आए, मेरे पास आए, उसका हम जरूर उसका उठा